Hi students, good morning all. How are you? Hope all you are fine. आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ केटल एंड कप कॉम्पोजिशन. एट फर्स्ट आप लोगों को बताती हूँ कि कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन किसको बोलते हैं. कॉम्पोजिशन करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखना होगा, जानना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है. कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जो जो ऑब्जेक्ट या फिर पर्संस रहेगा उसको एक जगह प्रॉपरली करेक्ट वे से अरेंज करना, मतलब कॉम्पोज करना. और ये कॉम्पोज करके जो सब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन. यहाँ पे मैं केटल एंड कप कॉम्पोजिशन जैसे मैं दिखा रही हूँ. कॉम्पोजिशन अरेंजमेंट सही होना चाहिए, ये बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. और कॉम्पोजिशन में पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए. जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ वो देखो, मैंने कैसे कॉम्पोजिशन को अरेंजमेंट किया है. यहाँ पे मैं इलिप्स ड्रॉ किया, जैसे आप लोगों ने सीखा होगा बेसिक्स, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, वही बेसिक्स में से एक ये इलिप्स मैंने ड्रॉ किया. मैं यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग कर रही हूँ, कोई भी स्केल वगैरह की यूज़ नहीं कर रही हूँ. आप लोग चाहो तो स्केल भी यूज़ कर सकते हो. हमेशा कॉम्पोजिशन करने से पहले दो चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि कॉम्पोजिशन में अरेंजमेंट सही होना चाहिए एंड कॉम्पोजिशन में पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए, तब जाके कॉम्पोजिशन सही होता है. देखो मैंने कप एंड केटल को कैसे अरेंजमेंट किया है. यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने सन ड्रॉ किया. ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ड्रॉ. अभी मैं स्केच पेन यूज करके आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ड्रॉ कंप्लीट हो गया, अभी मुझे ऑयल पेस्टल से कलर करना है. मैंने चार कलर यूज करके इस केटल को मैंने कंप्लीट किया है, चार पांच कलर यूज करके, डीप रेड, लाइट रेड, ऑरेंज, डीप येलो, लाइट येलो,
जैसे जैसे जहाँ पे लाइट सोर्स पड़ रहा है वहाँ पे मैं लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, एंड उसके ऑपोजिट साइड में डार्क साइड में डार्क कलर। देख रही हो मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ कलर को। लाइट से ऑरेंज यूज कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा येलो कलर यहाँ पे मैंने यूज़ किया, अभी थोड़ा ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ डार्क शेड के लिए केटल पे। और फ्लोर पे जहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ किया वो लाइट है इसलिए बस हो गया।